जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, काफी टाइम के बाद बच्चों के लिए खुशखबरी आई है एसएससी जीडी से रिलेटेड। क्या आई है कि आपके जो फिजिकल हैं, जी हाँ, फिजिकल आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और डेट क्या है, डेट आपको पता ही है क्या, 18 मई। डेट क्या है आपकी, 18/5/2022 से फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। किसके, एसएससी जीडी के। ये आपको सभी को न्यूज मिल गई होगी, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए इस वीडियो में होने वाला है, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप जाते हैं वहां से आपको लात मार के अगर सेंटर से बाहर कर दिया जाता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हमने ये देखा है पर्सनली कि किस तरह से जब आउट होते हैं तो दुख होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए ये बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेनिंग सेंटर या जो भी आपका ग्रुप सेंटर, जहां भी आपकी सेंटर पढ़ने वाला है, आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं करना है, कि जिससे कि भर्ती शुरू होने से पहले ही आप आउट हो जाए। तो उन चीजों को विशेष से ध्यान रखिएगा। आपको फिजिकल से रिलेटेड क्या करना चाहिए, एक अलग से वीडियो कल आ जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप ट्रेनिंग सेंटर, आप ग्रुप सेंटर, जहां भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है वहां पर आप जाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर वहां पर लगे हुए हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं, उनको सबसे पहले आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि आपको धक्के मार के वहां से निकाले जाए। तो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो गांठ बांध लीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर वैकेंसी में या तैयारी करने में दिक्कत ना हो। ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिजिकल में जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट, ये जरूरी बातें गांठ बांध दीजिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करने वाले चक्षु पब्लिकेशन की, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के ऊपर बहुत अच्छी बुक आई है, जिसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना लेंगे। तो बुक्स बहुत अच्छी है, देखिए इसमें संपूर्ण डिटेल से जानकारी दी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस एड भी आते हैं, जिसको परचेस करके आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, 25,000+ वैकेंसी थी आपको पता है। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपके पास एडमिट कार्ड आपका अपना होना चाहिए, उस पे फोटो लगा होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ही देखा जाएगा। धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैंने पॉइंट बनाए उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो बच्चे रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एज में, जो बच्चे रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं हाइट में, उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, कुछ बच्चों की 1.70 है, कुछ बच्चों की 1.65, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज बटी हुई है हाइट। तो सबसे पहले अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं हुआ, आपको धक्के मार के वहां से सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी हाइट 1.70 नहीं है। आपने कैटेगरीज में छूट लेने के चक्कर में आपने फॉर्म भरा है, अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो आपके पास सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपना होना चाहिए। दूसरे पे आते हैं, दूसरे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए 4 फोटोग्राफ। जी हाँ, आपके पास 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके अलग अलग फॉर्म भराए जाएंगे और उन फॉर्मों में आपका जरूरी पड़ती है। तो दूसरे क्या होना चाहिए, आपके पास 4 फोटोग्राफ आपके सेल्फ होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है और 12 वीक की प्रेग्नेंट है, उनका जो फिजिकल है वो टर्मिनेट, कैंसिल या विथहेल्ड माना जाएगा। कब तक, जब तक उनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी उनका 6 वीक के बाद डॉक्टरी की जाएगी। डॉक्टरी के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, सर्टिफिकेट में आता है कि हाँ भाई कर सकते हैं, उसके बाद उनका कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो गर्भवती मेरी बहन होंगी उनके लिए न्यूज थी कि अगर आप गर्भवती हैं तो उनकी कंटिन्यू किया जाएगा आफ्टर प्रेगनेंसी के। चौथा पॉइंट मैंने बता दिया, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना जरूरी है, वरना वहां से आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। जो पांचवा फोटो है, पांचवी चीज है, आपको अपना फोन, सेल फोन नहीं लेके जाना है सेंटर के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। आपके साथ जो बंदे उनको कैरी करा दीजिएगा, बाहर रख दीजिएगा, अंदर जाएंगे रेस्पॉन्सिबल वो नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, जब एग्जाम होता है तो एक अलग से बना दिया जाता है रूम, लेकिन फिजिकल के टाइम पे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यार इतने लार्ज नंबर में चल रही, तो फोन अंदर लेके मत जाना, गुम हो जाएगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आगे चलते हैं, देखिए छठा जो पॉइंट है वो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। जब आप साइट पे जाएंगे एसएससी की या सीआरपी की साइट पे जाएंगे, तो सीआरपी की साइट पे एक आपको फॉर्म लेके जाना है, वो होगा नो पॉजिटिव का, कोविड से रिलेटेड है, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। एक बार पढ़ लेना क्या है,
उसको अच्छे से पढ़ के दो कॉपी अपने पास रख लेना, क्या पता कहाँ कहाँ उसको सबमिट करने की जरूरत पड़े। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आप जरूर लेके जाएंगे, मिस्टेक मत करना। आगे चलते हैं, रिक्वायर्ड शूज, जो जूते आप कंफर्टेबली दौड़ सकते हैं, जिस फिजिकल को आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आप किस में कंफर्टेबल हैं, जो शूज आपके लिए बेहतर है वो जूते लेके जाइएगा, क्योंकि कंफर्टेबली आप जो रनिंग है, जो फिजिकल है उसको कंप्लीट कर लें। समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद एक आईडी प्रूफ, जी हाँ आईडी प्रूफ भी जरूरी होगा। जब आप एंट्री करेंगे तो गेट पे ही आपको पकड़ लेंगे और आपको विद फोटोग्राफ, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ होगा उस पर फोटोग्राफ्स होना चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी है, आईडी प्रूफ भी ले जाना। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए ये जो सिलेक्शन होगा आपका प्रोविजनली होगा, टेम्प्रेरी होगा, ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिए हैं तो वो आप सिलेक्शन ले लिए, नहीं। ये जो सिलेक्शन होगा टोटल प्रोसीजर होगा फिजिकल से रिलेटेड, वो प्रोविजनली होगा, टेम्प्रेरी होगा। उसके बाद आगे क्या होगा, जितने भी जर्नी आप कंप्लीट करेंगे, जो भी फिजिकल के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए रहना सहना खाना पीना ये आपका ओन इंटरेस्ट होगा, ओन पॉकेट से आप अरेंज करेंगे, उसके लिए सरकार कोई भी पैसा नहीं देगी। तो सफिशिएंट मनी आप लेके जाएंगे कि भाई मेरे को दो दिन रुकना है, एक दिन रुकना है, आधे दिन रुकना है, पांच मिनट रुकना है, जितना भी रुकना है, आप कितने कैपेबल हैं उस हिसाब से आप अपनी पॉकेट मनी लेके जाएंगे कि आपको एक से दो दिन सर्वाइव करना है जहां भी आपका सेंटर पड़ा होगा। तो ये कुछ 10 पॉइंट मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक बताया था, उसमें क्या क्या था। एक आपको रिलेटिव एज में छूट चाहते हैं, रिलेटिव हाइट में छूट चाहते हैं, उसकी जाते कास्ट सर्टिफिकेट, चार फोटो चाहिए होंगे, प्रेग्नेंट है 12 वीक की उनको डिले कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका चाहिए, आपका फोन नहीं रिक्वायर्ड है वहां पर, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन पॉजिटिव वाला, उसके बाद शूज आपके जो कंफर्टेबली रहते हैं वो लेके जाने, आईडी प्रूफ लेके जाना है विद फोटोग्राफ्स वाला, उसके बाद आप ये जो पूरा सिलेक्शन है वो टेम्पररीली है, और रहने खाने पीने का भाई आपको अपना इंतजाम करना होगा। तो ये जरूरी सावधानी आपको बरतनी है, वरना आपको धक्के मार के गेट से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्त फिजिकल की बात की है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।